सई को चौहान निवास में देख क्या बोली अश्विनी। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। बात करें सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, तो भाई आपको बता दें सीरियल का आने वाला ट्रैक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आप देखेंगे कि किस तरह फिर से अश्विनी और सई का सामना होने वाला है, लेकिन फिर से अश्विनी कुछ ऐसा कहेगी जिससे सई का दिल टूट जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह जहाँ विराट पाखी को गुलाब का फूल दे रहा है और पाखी भी बहुत स्टाइल से गुलाब का फूल पकड़ रही है। पाखी के चेहरे की हंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाखी को वो सब मिल रहा है जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन आप तभी देखेंगे सई की एंट्री चव्हाण निवास में हो जाती है। सई जो है अपनी बेटी सभी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। ये तो आपने देखा ही था कि किस तरह से भवानी जो है वो सभी पर चिल्लाती है, इसलिए सई को सभी की बहुत टेंशन हो जाती है और सभी को लेने वो चव्हाण निवास पहुंच गई है। लेकिन भाई इस टाइम पे सई की एंट्री बहुत ही धमाकेदार लगी है। वहीं आप देखेंगे कि सई को देखकर पूरा चव्हाण निवास वहीं पे शांत हो जाएगा, पूरे चव्हाण निवास को जैसे सदमा लग जाएगा। भाई सई वहीं पे खड़ी होती है, सई जो है घर की दहलीज को नहीं लांघती है, सई बिल्कुल भी अंदर नहीं आती है। वहीं आप देखेंगे पूरा परिवार जहां सई को एक तरह से देख रहा होता है, और जैसे ही विराट पाखी को फूल दे रहा होता है विराट भी सई को देखकर सई का नाम लेता है और वहीं पे शांत खड़ा हो जाता है। वहीं आप आगे देखेंगे कि किस तरह से विराट के हाथ से भी फूल गिर जाता है और विराट जो है अपने हाथ से फूल जो पाखी को दे रहा होता है वो पाखी को नहीं देता। ये सब देखकर पाखी भी विराट को भाई बहुत नोटिस करती है और वो विराट को ही देखती रह जाती है कि किस तरह सई के आ जाने से विराट ने पाखी को फूल नहीं दिया। वेल, वहीं आप आगे ये भी देखेंगे कि किस तरह सोनाली और भवानी फिर से गॉसिप करने लग जाएंगे। सोनाली भवानी के पास जाती है और कहती है कि इसको तो आना ही था, ये अपनी बेटी के बहाने यहाँ आ गई, ये तो बस मौका ढूंढती रहती है चव्हाण निवास में आने का। वहीं पे भवानी को आप देखेंगे, भवानी कहेगी इसे मैं हैंडल करके आती हूँ, विराट कहेगा नहीं मैं ही मिलने चला जाता हूँ, लेकिन भवानी जो है वो कहेगी तेरा आज बहुत स्पेशल डे है, तू अपनी बीवी के साथ इसे मना, इसको मैं हैंडल कर लेती हूँ। वहीं पे आप विराट को देखेंगे, वो सही पर भड़कता दिखाई देगा। विराट पाखी से कहेगा कि जब मैं इसके घर गया था और मैंने इसको आने के लिए इनवाइट किया तब तो ये नहीं मानी, तो अब यहाँ पर क्यों आई है। वहीं पे पाखी जो है फिर से सई का सपोर्ट करने वाली है। जी हाँ, पाखी जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से सई का बार बार सपोर्ट कर रही है, वो फिर से सई का सपोर्ट करती हुई दिखाई देने वाली है। वो विराट से कहेगी कि अरे तुम विनायक को रख कर देखो उसकी जगह, अगर उसकी बेटी यहाँ पर है तो उसको तो टेंशन होगी ही ना, जिस तरह से तुम विनायक की टेंशन लेते हो उसे भी सभी की बहुत टेंशन होती है जिस वजह से वो यहाँ आई है। लेकिन आप तभी देखेंगे जहाँ भवानी और सोनाली ऑलरेडी सई पर भड़कने लगेंगे, वहीं पे अश्विनी का रोल बहुत अहमियत होने वाला है। अश्विनी जो है वो सई से कहेगी कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, हमारे बच्चों की एनिवर्सरी खराब मत कर। बस इसी बात से अब सई का दिल टूटने वाला है कि अश्विनी का इस तरह से बिहेव जो है सई के साथ वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सई ने भी कहीं ना कहीं अश्विनी को अपनी माँ ही माना था और एक माँ का बच्चे के लिए ऐसा बिहेव उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।